अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडेनिक्स 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 6 में आज हम ग्रामर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग जो ज़रूरी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो ग्रामर हमें इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होती है वो टेंसेज में जो यूज़ होती है वो हम इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम एक प्लेलिस्ट में इसको अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो मैं यहाँ पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसके अलावा हमारे कोडेनिक्स के यूट्यूब चैनल से भी उस प्लेलिस्ट को फाइंड करके जो टेंसेस के रिलेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं डे 6 में आज हम ग्रामर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। सबसे पहले आप एक यहां पे स्लाइड में देख रहे होंगे दो सेंटेंसेस हैं, अहमद इज माय ब्रदर, ही हेल्प्स मी इन स्टडी। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो सेंटेंसेज हैं क्योंकि दो फुल स्टॉप लगे, इट मीन दो सेंटेंसेज हैं। और दो सेंटेंसेस में अगर हम वन बाय वन इंडिविजुअली इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो यहां पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है अहमद इज माय ब्रदर, सेकंड है ही हेल्प्स मी इन स्टडी। अब यहां पे अगर हम देखें तो तीन चीजें हैं हर एक सेंटेंस में, इनमें है पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तीन चीजों से मिलके एक सेंटेंस बना है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो भी कोई काम करने वाला हो आसान अल्फाज में, वर्ब होता है कोई काम जो किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा है या जो जिससे रिलेटेड काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब अगर फर्स्ट सेंटेंस की मैं ब्रेक डाउन करूं तो उसमें अहमद जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि अहमद जो है वो काम करने वाला है, इज जो है वो वर्ब में आ रहा है, माय ब्रदर वो ऑब्जेक्ट। हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें अहमद सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और माय ब्रदर जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से ही हेल्प्स मी इन स्टडी, आप इसको भी ब्रेक डाउन करके चेक कर सकते हैं। तो हर सेंटेंस में तीन बेसिक चीजें कौन सी होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नाउन क्या होता है? इससे पहली स्लाइड में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। अब हम देखते हैं नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस। नाउन वो लफ्ज होता है जो कि किसी भी शख्स, किसी चीज, कोई तसव्वुर या किसी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, या वो वर्ड या वो लफ्ज जो किसी नाम के लिए यूज होता है, किसी जगह के लिए यूज होता है, किसी चीज के लिए यूज होता है, किसी कॉन्सेप्ट के लिए, तसव्वुर के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद है, हाउस है, कराची है, रिवर है, एटसेट्रा, कोई इस तरह की आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। नाउन हम बोलते हैं किसी भी चीज के असल नाम को, फॉर एग्जांपल किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी परिंदे का नाम, किसी एरिया का नाम, तो वो नाउन कहलाता है। अब नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन उनको बोलते हैं जो किसी भी चीज की वहदानियत, किसी की चीज के वहद होने को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद ये सिंगुलर नाउन है, फादर ये भी एक सिंगुलर नाउन है, पेंसिल है, मैन है, वुमैन है, ये हमारे सिंगुलर नाउन है। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप देखें अहमद एंड अहद, अब यहाँ पे दो लोग हो गए, एक से ज्यादा होंगे तो वो उसकी जमा होंगे, इसका मतलब कि वो हमारे प्लूरल नाउन होंगे। फादर है तो वो एक सिंगुलर नाउन है, अगर मदर बोलें तो वो एक अलहदा सिंगुलर नाउन है, और अगर मदर और फादर को हम इकट्ठा मिलाएं तो वो हमारे पेरेंट्स बनते हैं, तो इट मीन्स के पेरेंट्स जो हैं वो हमारा प्लूरल नाउन है। पेंसिल एक हो तो वो सिंगुलर नाउन है, पेंसिल्स एक से ज्यादा हो तो वो हमारा प्लूरल नाउन है। मैन एक आदमी, वो हमारा सिंगुलर नाउन है, और जब मैन बोल देंगे तो वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा। वुमेन एक औरत, और अगर हम वुमेन बोलेंगे तो इट मींस के एक से ज्यादा खवातीन या एक से ज्यादा औरतें, तो वो हमारा प्लूरल नाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि वो तमाम अल्फाज जो आपके नाउन की जगह पे यूज होते हैं नाउन को रेफर करने के लिए, लेकिन वो उसका रियल नेम नहीं होता, उसकी जगह पे रिप्लेस्ड नेम जो होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन, दैट स्टैंड्स इन, जो कि यूज होता है किसके लिए? नाउन की जगह पे।
often to avoid the need to repeat the same noun over and over. जो आपका noun बार बार repeat हो रहा है उससे एहतियात करने के लिए जो pronoun है वो use होते हैं. आप pronoun को आसान अल्फाज में समझने के लिए replace noun भी बोल सकते हैं. Noun की जगह पे इस्तेमाल किया गया word. Like nouns, pronouns can refer to people, things, concepts and places. जैसे noun होते हैं इसी तरीके से pronoun होते हैं, क्योंकि noun जो है वो भी name, place, area या places और concepts को define करने के लिए use होते हैं, और इसी तरीके से pronouns भी. अब noun और pronoun जो हैं वो different persons के हिसाब से, अगर मैं अकेला बात कर रहा हूँ तो ये मैं first person हूँ, अगर मैं किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा हूँ, मतलब दो लोगों के दरमियान में बात हो रही है, जो दूसरा बंदा है वो हमारा second person कहलाएगा, और अगर हम दोनों मतलब conversation करने वालों के अलावा अगर कोई third person के बारे में हम बात करें, अगर हम किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएगा. अब सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन के लिए है वो है आई, जैसे मैं बात कर रहा हूं, और अगर प्लूरल हम इसका यूज करें आई के अगेंस्ट प्लूरल जो होगा तो वो हमारा वी यूज होगा. वी मतलब आई, मैं, वी, हम, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे, क्योंकि जब मैं अपने आप को मुखातिब कर रहा हूं तो मैं आई बोलूंगा, और अगर मैं अपनी एक टीम को मुखातिब कर रहा हूं जो एट द स्पॉट या एट द प्रेजेंट टाइम फॉर टाइम बीइंग जो हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको एज ए प्लूरल नाउन फर्स्ट पर्सन में हम वी बोलेंगे. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के लिए जो प्लूरल प्रोनाउन हैं वो है यू. यू में तुम लोग भी आ सकते हैं या आप लोग भी आ सकते हैं. थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, शी, इट, दिस, दैट. सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स जो भी होंगे या ही, शी, इट के अलावा दिस, दैट, जिसको हम सिर्फ सिंगुलर पर्सन को इंडिकेट करने के लिए बोलेंगे, वो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन्स होंगे. और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन्स क्या हैं? दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन्स जो होंगे वो हमारे तमाम के तमाम जो होंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स में काउंट किए जाएंगे. अभी आपको शायद समझ ना रही हो, लेकिन इसको एज इट इज आप अपने नोट्स में लिख लें, जब हम आगे क्लासेस में इसको एलेबोरेट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. उसके बाद हैं जी जेरंड्स. जेरंड्स क्या होते हैं? आपकी वर्ब के साथ अगर आई एन जी लग जाए तो वो आपका जेरंड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ जेरंड्स इज द नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स इन आई एन जी. वो तमाम के तमाम वर्ब्स जिनके एंड पे आई एन जी लग जाता है वो हमारा जेरंड्स बना देते हैं. इसकी एग्जाम्पल क्या है? डांसिंग, ईटिंग, Playing, drinking, planting, etc. मतलब अगर आप यहां पे इसको ब्रेक डाउन करें तो ये डांस के बाद आई एन जी लगा है. डांस वर्ब है, काम हो रहा है कोई, डांसिंग, तो आई एन जी जब लग गया है तो ये आपका जेरंड्स बना देता है. इसके बाद ईटिंग में ईट वर्ब है, आई एन जी लग गया, ईटिंग बन गया. प्लेइंग में प्ले जो है वो वर्ब है, आई एन जी लग गया, प्लेइंग बन गया. ड्रिंकिंग में ड्रिंक जो है वो वर्ब है, आई एन जी लग गया, तो आपका ये जेरंड्स बन गया है. प्लांटिंग में प्लांट जो है वो वर्ब है और आई एन जी जो लग गया है ये आपका जेरंड बना देता है. इस तरीके से वो तमाम के तमाम जो वर्ब के साथ आई एन जी लगने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम जेरंड्स बोलते हैं. जैसा कि रीडिंग इज हिज हैबिट. रीडिंग में रीड करना जो है वो एक वर्ब है, आई एन जी लग गया है तो वो जेरंड बन गया है. इसी तरीके से वॉचिंग में वॉच जो है वो वर्ब है, वॉकिंग में वॉक जो है वर्ब है. तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपकी जेरंड्स की, सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज होते हैं. इन्फिनिटिव क्या होते हैं? इन्फिनिटिव में अगर आपके वर्ब से पहले टू लग जाए तो वो आपका इन्फिनिटिव बन जाता है, लेकिन रहता है ये वर्ब ही है. एन इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू एंड यूज्ड एज वर्ब. बेस वर्ब ही है लेकिन यूज एज ए वर्ब होता है, लेकिन वर्ब से पहले, बेस वर्ब से पहले क्या लग जाता है? टू लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल टू वॉक, टू ट्रेवल, टू वॉच, टू ईट, टू ड्रिंक, टू प्ले, टू डांस एटसेट्रा. इस तरीके से आप और भी इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं. अब वर्ब 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 करी जा रहे हैं. वर्ब क्या चीज है? वर्ब को मैंने जैसे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. इसमें वर्ब जो है वो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है. अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अक्रेंस एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इस डेफिनेशन से आपको अच्छे तरीके से समझ लग रही होगी कि वो वर्ड जो किसी भी स्टेट को, किसी एक्शन को, किसी अक्रेंस को, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं
और वो किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होते हैं, उनको हम वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब जो है वो तीन तरह के होते हैं। वर्ब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब होंगे जैसे बी, डू, हैव। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसा कि किसी काम का होना जिसको हम बी बोलते हैं, किसी काम का करना जिसको हम बोलते हैं डू, हैव जो है उसके दो सेंसेस में मीनिंग्स हैं, एक किसी चीज का पास होना और एक है होता है किसी काम का कर चुके होना, ये दो सेंसेस हैं। अब यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है बी, इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी वर्ब यूज होती हैं, इसमें अगर बी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है तो बी ऑक्सिलरी वर्ब किसी काम के होने से रिलेटेड हो तो उसमें प्रेजेंट टेंस में आपके पास जो वर्ब्स यूज होंगी वो होंगी इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में यूज होंगी वो होंगी वाज, वर, और फ्यूचर टेंस में यूज होंगी विल, बी। यहां पे फ्यूचर टेंस में शैल नहीं यूज होगा, यहां पे फ्यूचर टेंसेज में जस्ट विल बी यूज होगा। अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब डू हो तो वहां पे प्रेजेंट टेंस में आपके पास डू, डस, पास्ट टेंस में डिड और फ्यूचर टेंस में विल डू आएगा। और अगर हैव की बात करें तो हैव आपको बता चुके हैं कि दो सेंसेस हैं, पास होना या कर चुके होना, उसके लिए जो प्रेजेंट टेंस है वो आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैज हैव, पास्ट टेंस में हैड आएगा और फ्यूचर टेंस में विल हैव आएगा। अब आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में किस किस तरीके से यूज होंगे। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, वो तमाम वर्ब जो आपकी स्टेट को शो करें, जैसा कि कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, शैल, ये तमाम के तमाम वर्ब जो हैं ये मॉडल वर्ब होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि माइट पॉसिबल, मे बी, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर, कैन, कुड, ये तमाम के तमाम जो वर्ब्स हैं यहाँ पे सेंटेंसेस में भी वो तमाम के तमाम मॉडल वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, हैव के बाद अगर हम टू लगा देंगे, फॉर एग्जांपल इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, तो ये तमाम के तमाम जो हमारे वर्ब्स हैं ये मॉडल वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, यहाँ पे सेमी को सेमाई भी बोलते हैं, तो ये सेमी मॉडल वर्ब्स जो हैं ये वर्ब्स जो हैं वो हैं यूज टू, डर, नीड। अब यूज टू की एग्जांपल है आई यूज टू लिव इन लंडन, यानी कि वो पहले काम हुआ हो लेकिन उसका प्रेजेंट टाइम पे कोई इफेक्ट ना हो। हाउ डेयर शी डू इट हियर, उसकी जरूरत कैसे हुई यहाँ पे करने की, मतलब काम हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। नीड, यू नीड टू वेट एट रेड लाइट, ये भी आप सिग्नल पे खड़े हैं तो वहां पे आपको कोई कह रहा है, आपका जो सेकंड पर्सन है वो आपको कह रहा है कि यू नीड टू वेट एट रेड लाइट, कि आपको रेड लाइट पे वेट करना चाहिए था। ये वो तमाम के तमाम ग्रामर के रूल्स हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी होते हैं। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को एनहेंस करने के लिए इन तमाम ग्रामर के रूल्स को डेली रूटीन में यूज करें और इनको यूज करते हुए अपनी स्पीकिंग की पावर को एक लेवल अप करें।